नमस्कार दोस्तों, मैं कानपुर से मनीष कुमार सिलता। आज एक नए भाई एलपी के साथ, इनसे आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। इन्होंने कैसे तैयारी की, इनका सफ़र कैसा रहा, और सबसे अच्छी बात, ये यहाँ तक कैसे पहुँचे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुहेल अहमद है, मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने एलपी की जॉब, मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में कैसी जॉब होती है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग जॉब है, काफ़ी रोचक है, और इसमें इसका जो कैरियर है काफ़ी अच्छा है। और ये बताइए, जैसे आपने उस समय जब पढ़ाई की थी, आपका माहौल थोड़ा अलग है, और जब हम लोग पढ़ रहे थे तब माहौल अलग था, तो आपने ऑफलाइन कोचिंग की थी या ऑनलाइन की थी? नहीं, मैंने अपना सेल्फ स्टडी किया था, और साथ में मोबाइल्स में जो टेक्स्ट बुक ऐप्स आते हैं, अच्छा, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। मतलब आप एसटी देते थे? या सेल्फ स्टडी करते थे। एसटी आप मतलब रेगुलर देते थे कि एक दो दिन छोड़ के देते थे? नहीं, रेगुलर भी करते थे, जब एग्ज़ाम का टाइम आने वाला था तो उस टाइम पर हम रेगुलर तैयारी कर रहे थे, और बीच बीच में गैप भी ले रहे थे। ऐसा नहीं कि मतलब एक बार बैठे तो लगातार आप कंटिन्यू, आपको जैसे टाइम मिले तब आप तैयारी करते रहिए, लेकिन टेस्ट बुक तैयारी के हिसाब से बहुत अच्छा ऐप से आप उससे बहुत अच्छे अचीव कर सकते हैं, क्वेश्चन उसमें ज़्यादा। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत से लोग परेशान हैं कि मतलब कितने घंटे पढ़ें या कैसे पढ़ाई करें, आप लोगों ने कैसे पढ़ाई की थी, ये बहुत से लोग परेशान हैं, तो आप कुछ अपने हिसाब से बताइए कैसे आप पढ़े थे, एक्चुअली में कैसे पढ़े थे। देखिए, नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग ये लगता है कि मैं क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, ठीक है। तैयारी के लिए सबसे पहले इसमें देखिए CBT 1, CBT 2 और साइको, ठीक है। सबसे पहले CBT पे फोकस करेंगे, CBT में हमारा सिलेबस क्या है, तो उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुसार हम उसको फोकस करते हुए उस सिलेबस को हम पढ़ेंगे। अच्छा, और साथ ही साथ जो हमारे प्रैक्टिस सेट हैं, जो टेक्स्ट बुक में आते हैं, या और किसी ऑनलाइन तैयारी या फिर जितने भी ऐप्स हैं या बुक्स आपके पास हैं, प्रैक्टिस आप करते रहिए, उससे आपको ये हेल्प मिलेगी, जो आपके क्वेश्चन एग्जाम जिसमें आते हैं वो आपको सॉल्व करने में आपको जल्दी होगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी कभी कभी आप टेस्ट देते हो तो कभी आपको ये नर्वस फील हुआ कि यार मेरा कम नंबर आ गया यार इस टेस्ट में, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? यस, ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैं पहली बार अपने टेस्ट में फेल हो गया। अच्छा, मैं पहला जो टेस्ट अपना प्रैक्टिस सेट किया, हाँ, उसमें मुझे 0 नंबर मिले। अरे, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कैसे करना है, लेकिन धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस शुरू की, मैं हिम्मत नहीं हारा। पहली बार तो मैं एकदम हताश हो गया, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अच्छा, तो उसमें मुझे पॉजिटिव मैसेज मिला, मतलब फीडबैक अच्छा मिला, फिर मैंने फिर और तैयारी की। अच्छा, इसके बाद मुझे और भी अच्छा रिस्पांस मिला, इस तरह धीरे धीरे करके जो है मैं इस लाइन पे आया। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, आपने अपने नोट्स बनाए थे या मतलब आपने केवल किताबों का सहारा लिया था, या कुछ लोग स्क्रीनशॉट रख लेते हैं, जैसे मेरी आदत थी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था, तो इन कौन सा वे आप अपनाते थे पढ़ाई के लिए? वैसे देखें, किताबों में जो भी दिया रहता है वो किताब भी अच्छी है जो है, अगर आप नोट्स आप सेल्फ के लिए बनाते हैं तो वो और भी अच्छा है। और अच्छा, और बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है कि मैथ के लिए, अधिकतर लोगों के क्वेश्चन है, दो डाउट रहते हैं, बेसिक साइंस और मैथ, तो मैथ कहाँ से पढ़ें और बेसिक साइंस कहाँ से पढ़ें, और आपने कहाँ से पढ़ाई की थी? मैथमेटिक्स से वैसे शुरू से मेरा अच्छा रहा है। अच्छा, और एग्ज़ाम के लिए अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स मुझे बहुत हेल्प मिला, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आपका मैथमेटिक्स अगर अच्छा है तो आप साइको निकाल लेंगे, CBT 1 या CBT 2 क्लियर कर लेंगे, लेकिन ये है कि मैथमेटिक्स आपका अच्छा है तो और भी अच्छा है, क्योंकि मैथमेटिक्स हल करने से आपका बाकी जो सिलेबस, जो आपके क्वेश्चन रहते हैं वो आपको सॉल्व करने में जल्दी टाइम कम लगता है। ये बताइए, जैसे आप कुछ बच्चे होते हैं केवल तैयारी करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि तैयारी करने के साथ घर के भी काम करते हैं या जॉब भी करते हैं, आप उनमें से किस उसमें थे? नहीं, मैं तो ये जो आप दूसरी बात बता रहे हैं कि मैं अपना घर भी देख रहा था और तैयारी भी कर रहा था। अच्छा अच्छा, तो मतलब कोचिंग जाते थे कि ऑनलाइन ही था? नहीं, इसके पहले तो मैं एक ITI कॉलेज में पढ़ा रहा था। अच्छा, टीचर भी थे? हाँ, अच्छा। जी, ITI कॉलेज में पढ़ा रहा था, टेक्नीशियन डिपार्टमेंट को मैं ही होल्ड कर रहा था। चलिए, अच्छा, आप ITI पढ़ाते थे तो आप अपना थोड़ा होल्ड करिए, बहुत से क्वेश्चन ITI से थे कि ITI के जो ब्रांचेज हैं उनमें से कहाँ से हम पढ़ें, जो ट्रेड वाले क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ से हम पढ़ें? देखिए, अगर आप ITI के सिलेबस को उठा के देखें तो उसमें जो थ्योरी की बुक्स आती हैं, अगर आप इलेक्ट्रिशियन से हैं या फिटर से हैं या किसी भी ट्रेड से हैं, जो थ्योरी वाली बुकें हैं उसमें जो सिलेबस होते हैं वो इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, तो बेहतर यही है कि अगर वो आप कवर करते हैं, उसको आप उसकी तैयारी करते हैं, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं तो यही कहूँगा कि 50-60% मार्क्स जो है
आपके उसमें से मिल जाएंगे। अच्छा एक चीज़ और, एक बच्चे का क्वेश्चन था कि SCBT और NCBT दो होते हैं, तो ये दोनों ही मान्य है कि कौन सा मान्य है? दोनों एक ही है। SCBT जो है वो राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थान है, और NCBT वो केंद्र सरकार के द्वारा मान्य, दोनों है ना, दोनों मान्य है, SCBT से हो या NCBT। चलिए ये क्वेश्चन बहुत से लोगों का था, डाउट आज क्लियर हो गया, आप टीचर थे तो आपने अच्छे से क्लियर कर दिया। अब बारी आती है हम लोग ने जहाँ क्वेश्चन छोड़ा था साइंस के लिए, आप मैथ के लिए कोई टीचर सजेस्ट करना चाहेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन? नहीं ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं या फिर यूट्यूब पे एवरीडी न्यू चैनल एक आता है, अच्छा, अच्छा, हमने उससे भी तैयारी किया था, उसमें भी अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहते थे, और साथ ही साथ जो बताए ना हमने कि टेस्ट बुक से जो है टेस्ट बुक से हमने मैथमेटिक्स के उसमें कई सारे सब्जेक्ट वाइज भी रहते हैं, आप सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ सकते हैं, और पेपर जो है जो बता रहे हैं कि पेपर आप बाद में सॉल्व कीजिए, पहले आप जो आपका सब्जेक्ट है कि आपको पढ़ना है पहले आप उसको फोकस करेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा अब बारी आती है साइंस, बेसिक साइंस कहाँ से पढ़ाएं? बहुत से लोगों का डाउट है। बेसिक साइंस यही हाई स्कूल या फिर कक्षा 8-7-8 की जो साइंस है, जनरली यही सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा इंटरमीडिएट या उसके ऊपर बीए इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। आपने कहाँ से पढ़ा था? नहीं मैं तो नॉर्मली हाई स्कूल इंटर की जो बुक्स थी जो है मेरे पास उस टाइम पे मेरे पास अवेलेबल थी, और कुछ जो कॉलेज में थी जहाँ पे मैं ITI में पढ़ा रहा था, अच्छा अच्छा, वहाँ पे मैंने मतलब किया। आपने कोई बाहरी बुक नहीं पढ़ी है साइंस की, ना कोई यूट्यूब चैनल से पढ़ा? नहीं वही जो किताबें हाँ है, मतलब अगर आप मन से पढ़ते हैं तो अगर आप अपने नोट्स तैयार करते हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ तक पहुँचने के सफर के बारे में आप बताइए, आपका कैसा सफर रहा, आपने क्या फीलिंग हुआ, समाज में क्या परिवर्तन हुआ आपके प्रति, और आपका क्या बदलाव हुआ समाज के प्रति? ये तो बहुत मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा है, CBT 1 से लेकर के साइको और फिर ज्वाइनिंग तक का सफर जो है मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। मैंने कई उतार चढ़ाव अपनी लाइफ में देखे जो है, और सबको मैं एक चैलेंजिंग के तौर पर देखता जो है, जो भी सामने कोई भी टारगेट मेरे सामने रहता, चाहे एग्जाम से रिलेटेड हो या लाइफ से रिलेटेड हो, मैंने एक चैलेंज के तौर पे उसको अचीव किया, और साथ ही साथ जो है मैंने उसको बहुत अच्छे से टारगेट किया और उसको फोकस करके जो है अपने टारगेट को कैच किया। और मोहल्ले वालों के जो होते हैं अगल बगल, आपके प्रति क्या सोच बदली, पहले क्या सोचते? पहले दरअसल में मेरे मोहल्ले वाले क्या, मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी थे वो मेरा मजाक उड़ाते थे कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा, कुछ हो नहीं पाएगा, और तुम कहाँ वो ये नौकरी, और कहाँ तुम जो है तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, तुम मत करो जो है। लेकिन मैं उनकी बातों को इग्नोर करता था कि चलो ठीक है, मैं भी तुमको दिखाऊंगा एक बार, मैं भी तुमको दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। और आज वही दोस्त जब आते हैं, मैं घर जाता हूँ, वो लोग मिलते हैं तो मेरा हाल चाल इस तरह से पूछते कि भाई साहब आ गए, अरे कितनी खुशी की बात है कि भाई साहब लोको पायलट हो गए। ये बात तो खुशी की है। अच्छा जो वीडियो लंबा हो रहा है, कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कि पढ़ाई वो लोग कैसे करें आज के हिसाब से? मैं यही कहना चाहूँगा भाइयों से, जो भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को जारी रखें, जैसे भी वैकेंसी जब भी आएगी अपना तैयारी जारी रखें, और कंसंट्रेट होके पढ़ना है, अपने आप को एकाग्रचित, आपको भटकाने वाले बहुत रहेंगे, इधर उधर की भटकाने वाले बहुत रहेंगे आपको जो है, लेकिन आपको अपने दिमाग से सोचना है, आपको अपने मन की बात करनी है, आपका मन क्या कह रहा है आप उसको फोकस कीजिए, आप एक टारगेट सेट कर लीजिए कि हाँ मुझे ये करना है तो ये ही करना है, मुझे ये CBT 1 क्लियर करना है तो क्लियर करना है, चाहे उसके लिए मुझे रात रात भर जगना ही क्यों ना पड़े, अगर आप टारगेट सेट कर लेते हैं तो आप वहां तक जरूर पहुंचेंगे। दोस्तों यकीन मानिए जब आप यहां तक आ जाएंगे तो लोगों का समय, आपका समय कुछ इस तरीके से परिवर्तन होगा कि जो आपको आज, जो आपकी आज हंसी उड़ाते हैं, जो आज आपका माखौल बनाते हैं, जो आपके प्रति ऐसी निगाह रखते हैं कि ये क्या कर पाएगा, वो आपको बहुत ही सम्मान दृष्टि से देखेगा, और आपके रिलेटिव आपके परिवार वाले जहाँ भी जाएंगे आपकी इज्जत दोगुनी हो जाएगी। तो आप अपने लिए ना पढ़ें लेकिन अपने घर वालों के लिए पढ़ें। अगर आप इस जॉब से मेहनत करते हैं, प्यार करते हैं, तो तैयारी ऐसे करें कि अगली बार आपका सिलेक्शन 100% हो, बिल्कुल। आप कुछ सुहेल भाई आप कुछ बताएं, कुछ और बताना चाहेंगे? आज बहुत दिन बाद अच्छा मौका मिला है, नहीं भीड़ भाड़ रहती है, थोड़ा क्लास में सर भी नहीं आए हैं तो इस वजह से आज हम लोग थोड़ा चले आए,
और कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बुक आ रही हो मन में, सजेस्ट पढ़ना चाहते हैं तो एक साहिल सर हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है मैथमेटिक्स की, उसमें बहुत सारे सिलेबस ऐसे दिए हैं कि जो कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए काफी हैं। अच्छा। और साथ ही साथ मैथमेटिक्स में तो बहुत सारे फार्मूलेस रहते हैं, फार्मूले अगर आपको याद है जैसे ट्रिग्नोमेट्री या फिर और अलजेब्रा में जो भी फार्मूले, उसको आपको तो तैयार करना पड़ेगा, जो है याद करना पड़ेगा। और साथ ही साथ प्रैक्टिस वो बहुत जरूरी है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप इस जॉब को जरूर पाएंगे, जरूर पास। कुछ दोस्तों का मैसेज भी आए थे, जो लोग मुझे पर्सनली भी जानते हैं उनके भी फोन आए थे कि साइको टेस्ट के बारे में कुछ बताएं, अगर साइको टेस्ट की तैयारी कैसे करें या आपने कैसे निकाला, दोनों क्वेश्चन सेम है, तो आप कुछ देना चाहेंगे सजेशन? जी मैं यही कहना चाहूंगा, हाँ। जब मेरा CBT 1 और CBT 2 क्लियर हुआ, हाँ। तो मेरे घर वाले, हाँ। और फिर जहाँ मैं बता रहा हूँ पहले, हाँ। मैंने बताया था कि एक ITI कॉलेज में पढ़ा रहा था, हाँ। तो वहाँ के भी जो स्टाफ थे वो काफी खुश हुए। अच्छा। कि सर आपने साइको अब आपको निकालना है और CBT 1 CBT 2 आपका क्लियर हो चुका है, तो मेरा जो अगला टारगेट था कि साइको निकालना कैसे है। मैंने केवल नाम सुना था कि साइको टेस्ट होता है। लेकिन रियल में आखिर होता क्या है, कैसे टेस्ट किया जाता है, डॉक्टर टेस्ट करते हैं या फिर इसको परीक्षा देके पास करना होता है, ये भी नहीं मुझे मालूम था। अच्छा। लेकिन जब मैंने साइको का सिलेबस पहले देखा, पहली बात ये होती कि सिलेबस आपको देखना, आपको आखिर देना कैसे है साइको टेस्ट, आपको देना है तो आपके क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है पहले मैंने फिजिकली जो कि किताब से पहले मैंने देखा, उसका सिलेबस, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है, उसमें कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, उसको 5 बैटरी टेस्ट नाम से जाना जाता है। और हमारे समय में तो 2018 में 2019 में मेरा एग्जाम हुआ था साइको टेस्ट का, 2019 और उसमें 5 तरह के क्वेश्चन आए थे, उसकी तैयारी मैंने जी तोड़ करके की, टारगेट सेट कर लिया था कि मुझे साइको टेस्ट निकालना है किसी भी कीमत पे, चाहे इसके लिए मुझे रात में जगना ही क्यों ना पड़े, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं साइको निकाल पाऊंगा क्या नहीं, क्योंकि अक्सर करके ऐसा होता है कि CBT 1 और CBT 2 निकल जाता है लेकिन साइको में फेल हो जाते हैं अधिकतर बच्चे। तो अक्सर करके मैं यही उनको यही कहना चाहूंगा कि वो मोटिवेट अपने आप को ये करें, अपने आप को ये अचीव करें कि हाँ मैं ये कर पाऊंगा। अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप वहीं पर हार जाओगे, अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं ये करूंगा तो आप भले ही आप नहीं कर पा रहे हैं या नहीं उसके बारे में पता है आपको, नहीं जानकारी है, लेकिन फिर भी आप अपने मन को कह रहे हैं नहीं मैं ये करूंगा और करके दिखाऊंगा, तो आप बिल्कुल 100% मैं कहना चाहूंगा कि आप उसको कर लेंगे। अच्छा आप ये बताइए, आपने ऑनलाइन तैयारी की थी साइको की कि ऑफलाइन की थी? देखिए मैंने साइको की तैयारी पहले तो मैं उसका जो सिलेबस था वो मैंने पेपर प्रिंट आउट करके निकाला, जो है बुक्स मेरे पास अवेलेबल नहीं थी साइको की। अच्छा। तो साइको का पेपर जो है कैसे होता है उसके लिए PDF उसका मैंने प्रिंट आउट निकाला, उसके बाद फिर उसका सिलेबस देखा। अच्छा। उसके बाद जो तैयारी मेरी लैपटॉप और कंप्यूटर से हुई जो कि मेरे पास अवेलेबल ही नहीं था। अच्छा। मैं जिस ITI कॉलेज में पढ़ा रहा था वहाँ के जो सर थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे साइको की तैयारी करनी है और मुझे कॉलेज से लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम चाहिए जो कि मेरी तैयारी के लिए मददगार साबित हो। उन्होंने मेरी मदद की और मैं उनका धन्यवाद कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि अगर वो उस टाइम पे मेरी मदद नहीं की होते तो शायद मैं इस पोजीशन पे ना होता। और मैंने तैयारी एकदम जोड़ करके की कि और पहली बार जब मैं पहला साइको टेस्ट क्लियर किया उसे प्रैक्टिस, आप जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे साइको के लिए उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर परफॉर्मेंस देगा। आपको कई तरह की चुनौतियों को स्पीड टेस्ट आपको यानी कि आप कितनी स्पीड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार आपको कैसे आपको गुजरना है, कैसे सामना करना है परिस्थितियों का, वो आपको जो है उसमें आपको पता चलता है। बड़ा हो रहा है, खत्म करते हैं, अगले इंटरव्यू में फिर कोई दूसरा साथी हम लोगों को मिलेगा, अपने अनुभव शेयर करेगा। हम कैमरा पकड़ने के लिए हम अपने शुभम श्रीवास्तव भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, हो सकता है अगला इंटरव्यू उन्हीं का हो। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई।